Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. सोलह साल की अपन की जोड़ी भी लग रही कमाल की। उम्र और कद में हूँ मैं तो तुझसे बड़ा, जो मैं कहता हूँ तू मान जा। उम्र और कद में है तू तो मुझसे बड़ा, जो मैं कहता हूँ तू मान जा। हाँ थोड़ी शरारत करता है पर तू मुझसे डरता है। थोड़ी शरारत करता हूँ पर मैं तुझसे डरता हूँ। संग तेरे मैं नाचूं बिन घुंघरू बिन पायल। चल मेरे भाई चल मेरे भाई, हे 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 चल मेरे भाई चल मेरे भाई। सॉरी ब्रदर क्या करूँ भाई, दिल है मचल ही जाता है। तू कहे तो लुटा दूँ मैं तुझ पे ये जान, ऐसा भाई मिलेगा कहाँ। तू कहे तो लुटा दूँ मैं तुझ पे ये जान, ऐसा भाई मिलेगा कहाँ। तू मेरा भाई मेरा यार, तेरे लिए है दिल में प्यार। तू मेरा भाई मेरा यार, तेरे लिए है दिल में प्यार। तेरा ही सपना है मेरी आंखों में पल पल। चल मेरे भाई चल मेरे भाई, हो चल मेरे भाई चल मेरे भाई। ट्रैफिक जैम है आजा निकल जाए पैदल। चल मेरे भाई चल मेरे भाई, हो चल मेरे भाई चल मेरे भाई। चल मेरे भाई चल 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 मेरे भाई, चल मेरे भाई चल मेरे भाई चल मेरे भाई चल 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 मेरे भाई चल 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 मेरे भाई चल। एक और पूछो क्यों फंस गया शादी करके। लोगों के लिए शादी है लेकिन मेरे लिए बर्बादी है।
लाख समझाया मेरे दोस्तों ने कि डेट के सामान के साथ साथ जो तू ये पुरानी खटिया लेकर आया है ये बहुत बुरी है, और साथ में डेट में लेकर आई है आधा दर्जन बच्चे जिन्हें घर का पता पक्का याद है। 20 मर्तबा छोड़कर आया इनको मंदिर में, शाम को लौट कर आता हूँ तो साले खा पी के पड़े होते मेरे बिस्तर पे। ये लो जी, ये तो हो गए पागल। अरे जो बच्चे पैदा नहीं हुए उन्हें क्यों कोस रहे हो? गलत गलत गलत। तेरा ये सुपरस्टार डायरेक्टर हस्बैंड अपने ऑस्कर विनिंग नाटक की रिहर्सल कर रहा था। नाटक नौटंकी करते रहना, काम धाम मत करना। अच्छा सुनो, ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर, हाँ जो भी हो, ये बताओ ये जो तुम्हारी भांजी पूना से आई है और कितने दिन रहेगी ये यहाँ? और कितने दिन मतलब? उस बेचारी का इस दुनिया में इस मामा के सिवा है कौन? हेलो, तो क्या सारी जिंदगी यहाँ रहेगी? आहिस्ता आहिस्ता अपना हाँ? रेडियो आहिस्ता खोलो, वो तेरे पास नहीं आई है, अपने मामा के घर में आई है। और सुनो, उसे आज कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। क्यों? वो बेचारी बहुत खुददार लड़की है, इधर नौकरी ढूंढने आई है। तुम्हें तो आज तक नौकरी मिली नहीं, उसे क्या मिलेगी? डोंट वरी मामी जी, आज के इंटरव्यू में मुझे नौकरी जरूर मिलेगी, मेरा मन कहता है। क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? क्या कमी है हमारी भांजी में? इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है। अच्छा मामा जी, मैं चलती हूँ, वरना मैं लेट हो जाऊंगी, रास्ता भी नहीं पता ना। बाय मामी जी। सुनो, सिलेक्शन हो गया तो घर की बात कर लेना। सुना है आजकल नौकरी के साथ क्वार्टर भी मिलता है, कार भी मिलती है। बेटी तुम जाओ, मामी के चक्कर में नौकरी भी हाथ से जाएगी। जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाय मामी जी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट बेटी। इतनी बार समझाया कि मिर्ची का अचार खाना छोड़ दो, कड़वी हो गई हो। चलो मीठा देता हूँ। नाटक की रिहर्सल करो। रुको रुको रुको, यही इन सब पैसे। ओह, पैसे देना भूल गई। ये लो भैया, मेरे लिए दुआ करना। प्लीज हेल्प मी गॉड। देख के नहीं चल सकती आप? जी अगर मैं आपसे यही कहूँ तो? देखिए मैडम, ये ऑफिस है, कोई जॉगिंग ग्राउंड नहीं जहाँ भागे चले जा रही हैं आप। जी हाँ, ये ऑफिस है, कोई आपका ड्राइंग रूम नहीं जो आप इधर उधर देख के टहल रहे हैं। अब उठवाइए फाइलें, सब गिरवा दी ना। कैसे कैसे लोग आते हैं, एक तो मैं लेट हो गई, ऊपर से आपको अभी टकराना था। खुद देख के चलते नहीं, ऊपर से गुस्सा भी करते हैं। इतना भी नहीं कि सॉरी बोले। मैं आपको सॉरी बोलूं? नहीं नहीं, मैं सॉरी बोल लेती हूँ। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जो भी सवाल याद किए सब भुलवा दिए, अब पता नहीं क्या होगा इंटरव्यू में। हे भगवान, मेरा नंबर आने से पहले किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाए। मिस सपना कौन है? जी मैं। जी आपको अंदर बुलाया है। थैंक यू गॉड। सूरी। यस सर। इनकी एप्लीकेशन निकालो और बायोडेटा पढ़ के बताओ। जी सर। हरी अप मिस्टर सूरी। सर, इनकी एप्लीकेशन तो फाइल में है ही नहीं। हा? क्या? सर, मैं बताती हूँ, मेरा नाम सपना है, मैंने बीकॉम फर्स्ट डिवीजन में पास किया है। और मैंने आपसे पूछा। सर। मिस्टर सूरी, तुमने एप्लीकेशन सीरियल नंबर से नहीं लगाई थी क्या? लगाए थे सर। सूरी जल्दी पढ़ो प्लीज। सर पढ़ता हूँ सर। मिस सपना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। व्हाट? नहीं सर, इसमें लिखा हुआ है। सर सर, ये मेरी एप्लीकेशन नहीं है, अपनी एप्लीकेशन तो मुझे मुंह ज़बानी याद है। मैं आपको सुनाती हूँ। रिस्पेक्टेड सर कॉमा, फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज आई हैव कम टू नो दैट देयर इज अ वैकेंसी इन योर प्रेस्टीजियस कंपनी फुल स्टॉप एंड आई वुड लाइक टू। आई सेड स्टॉप इट। पता नहीं मेरी फाइल की पेपर्स आपकी फाइल में कैसे आ गए। हाँ याद आ गया, आपने मुझे सीढ़ियों पर टक्कर मारी थी ना। मैंने टक्कर मारी? याद नहीं आपको? टक्कर में मेरी फाइल भी गिरी, आपकी फाइल भी गिरी, इस गिरने गिराने में इधर के पेपर उधर हो गए और उधर के पेपर इधर। हाँ हा। साहब, मेरे ख्याल से अब इनका इंटरव्यू ले लेना चाहिए। मैं सपना, आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड क्या है? शॉर्ट हैंड? शॉर्ट हैंड तो मुझे नहीं आती, लेकिन मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। टाइपिंग की स्पीड क्या है आपकी? टाइपिंग तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं लिखती बहुत तेज हूँ। एग्जाम में हमेशा अपना पेपर 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में खत्म करके निकल जाती थी। राकेश, मैं सपना अब जा सकती हैं। मैं जाऊं? यानी कि मुझे नौकरी मिल गई? सूरी, दूसरे कैंडिडेट को बुलाओ प्लीज। यस सर। पर जब मुझे नौकरी मिल गई, अब दूसरे कैंडिडेट को क्यों बुला रहे? देखिए, इस जॉब के लिए टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आना बहुत जरूरी है। एक चांस तो दीजिए, मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। ये कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, इतने बड़े ऑफिस को चलाने के लिए एक एफिशिएंट सेक्रेटरी की जरूरत है। आप यहाँ से जा सकती हैं, प्लीज गो नाउ।
एक्सक्यूज मी, ये फाइल और सर्टिफिकेट फेंकने की जगह नहीं है। ये फाइल और सर्टिफिकेट मेरे लिए कचरा है। इंटरव्यू देने आई थी मगर उसने इंटरव्यू लिया ही नहीं, बस एक ही सवाल पूछा, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आती है। मैंने कहा नहीं तो उसने कहा जाओ। ओहो, ऐसा कहा उसने? जी, अरे जब शॉर्ट हैंड और टाइपिंग नहीं थे तो दुनिया में काम नहीं होता था क्या? हाँ, काम तो होता था। चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आती है? अच्छी, मुझे कहा कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आती है। देखिए, फिर भी आप नौकरी ठीक ठाक कर लेते होंगे, है ना? हाँ हाँ, मैं नौकरी तो ठीक ठाक कर लेता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें उसे समझानी चाहिए थी। जी अगर वो सुने तो? अंदर जाते ही वो मशीन गन की तरह शुरू हो गए, शॉर्ट हैंड टाइपिंग। मेरी समझ में नहीं आता कि एमडी की जगह उसे किसने बिठा दिया। आप नहीं जानते कितनी मुश्किलों के साथ मैं यहाँ पहुंची। एक तो मुंबई की सड़कें नहीं जानती हूँ, ऊपर से ना रिक्शा मिल रही थी ना टैक्सी, लेकिन फिर भी मैं आई ये उम्मीद लेकर कि मेरा बॉस बहुत खुश होगा। अरे तुम तो रो रही हो। जी नहीं, मुझे रोने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, देखो ये आंसू जो है ना, बह जाए तो पानी है, अंदर रह जाए तो जहर है, इन्हें बहने दो, बहने। हाँ, वैसे ये रुलाया किसने तुम्हें? ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी ने। विकी ओबरॉय? जी वही। सर, आप तो मुझे वही ले आए। नहीं बाबा। अरे कहाँ जा रही हो, इधर तो आओ। डोंट वरी। सर, हम लोग चलते हैं, वरना वो फिर से नाराज हो जाएंगे। असुरी यहाँ। मिस, कहाँ जा रही हो? सपना, मिस सपना मेहरा के नाम पे एक अपॉइंटमेंट लेटर बनाओ फौरन। ओके सर। ये आप क्या कर रहे हैं? भला आप मुझे कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? क्यों, मैं तुम्हें कोई फालतू या ऐरा गैरा लगता हूँ? नहीं नहीं, दिखने में तो आप बहुत शरीफ लगते हैं। थैंक यू। मगर वो बहुत खतरनाक है, मेरी वजह से वो आपको भी नौकरी से निकाल देंगे। वो मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और मैं चेयरमैन। क्या? और उसके साथ उसका बाप भी। सूरी, ये लीजिए। थैंक यू मिस्टर सूरी। मिस सपना मेहरा, ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर, और कल बिना किसी डर के आप ये ऑफिस ज्वाइन करेंगे। ओके, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। ओह, नॉट एट ऑल। बाय बाय। वेरी स्वीट गर्ल। जाओ अपना काम करो। यस सर। दादी माँ, दादी माँ, हाय आप। हाँ दादी माँ, साहब आ गए। आ गया? आज उसकी खैर नहीं। दादी रिलैक्स, दादी अपने गुस्से पर काबू कीजिए। तू चुप रह बलराज। जी माँ जी। ये वक्त है तेरे आने का? तुझसे कहा था 5 बजे आ जाना। माँ जी मैं ऑफिस में था, आई एम सॉरी। तेरा ऑफिस जरूरी है या प्रेम का ड्रामा? यहाँ आधे घंटे से तैयार बैठे हुए हैं, अब जल्दी कर वरना उसका ड्रामा शुरू हो जाएगा। वाह, इंडस्ट्रियलिस्ट बलराज ओबरॉय का बेटा, नौटंकीबाज। डैडी, प्रेम कोई नौटंकी नहीं कर रहा है, स्टेज प्ले कर रहा है। तू चुप रह, तू उसका बड़ा भाई है, तुझे समझाना चाहिए कि ये फालतू शौकों के बजाय बिजनेस पर ध्यान दे, ऑफिस में आकर काम करे। डैडी, उसे क्या जरूरत है काम करने की? मैं जो हूं ना, अभी उसके दिल में जो भी आए उसे करने दीजिए, जब उस पे जिम्मेदारियां आएंगी ना तो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देगा। तूने उसे सर चढ़ा रखा है, तेरी वजह से ये सब कर रहा है, पैसे बर्बाद करता है। तो पैसे कमाए क्यों है? इन बेटों के लिए ना। माँ जी आप भी। मुरारी नंदू, चलो गाड़ी निकालो। ये सब भी जाएंगे और क्या, पूरा परिवार चलेगा। माँ जी पहले बता देती, मैं ऑफिस में ताला लगाकर अपने स्टाफ, उनका परिवार और सारे मोहल्ले वालों को ले आता। आखिर हमारे सिवाय इस कमबख्त की नौटंकी देखने ही कौन आएगा। डैडी आप प्रेम को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप देखिए, एक दिन प्रेम स्टेज की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बनेगा। ए, नीली छतरी वाले, अगर तू है तो मेरी फरियाद सुन। इस दुनिया में कई लड़कियां हैं, एक तो मेरे लिए चुन। मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती।
मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। ऊपर वाले तूने मुझको सब कुछ दिया, अब दे दे हस्बैंड कहने वाली सुंदर बीवी। मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। जाए तो अच्छा होगा, मुझको डैडी कहने वाला उसको बच्चा होगा, बच्चे की होगी शादी उसको भी एक बच्चा होगा, बहू कहेगी ससुरा, बच्चा कहेगा मुझको दादा, मुझको रखा कबारा क्यों, मैंने क्या की है गलती। मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। ऊपर वाले तूने मुझको सब कुछ दिया, अब दे दे हस्बैंड कहने वाली सुंदर बीवी। मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। अगली दे दे, जो भी लड़की देनी है मुझको तू जल्दी दे दे, तेरे भरोसे कहीं ये मेरी उम्र न बीती जाए, मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरे हाथ में लाठी आए। तुझको कहता हूँ क्योंकि तेरी दुनिया में चलती। मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। ऊपर वाले तूने मुझको सब कुछ दिया, अब दे दे देवर कहने वाली सुंदर भाभी। मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। पहुंच गए? नहीं मैम साहब, बांद्रा अभी बहुत दूर है। तो फिर टैक्सी क्यों रोक दी? खराब हो गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? चलिए। क्यों नहीं हो सकता? मशीन है, कुछ भी हो सकता है। आप समझते क्यों नहीं? आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है, प्लीज। इत्तेफाक से आज मेरा भी पहला ही दिन है। ओफो, अब जाएगी मेरी नौकरी। आप ट्राई भी नहीं करते। इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है, अब वो भी चली जाएगी। कौन है? एक्सक्यूज मी, लिफ्ट प्लीज। आप नहीं है। कहाँ मिलेगी टैक्सी? सुनिए सुनिए, आप बांद्रा साइड जा रहे हैं? नहीं तो? लेकिन मुझे तो बांद्रा साइड जाना है, as quickly as possible, please. देखिए, आज नौकरी पर मेरा पहला दिन है, अगर पहले ही दिन में लेट पहुंची तो बॉस आखिरी दिन बना देगा। तो मैं क्या करूं? आप कुछ मत कीजिए, बस मुझे बांद्रा साइड तक पहुंचा दीजिए। अब घूरना बंद कीजिए, रास्ते में घूर लीजिएगा। अरे देखो, सिग्नल ग्रीन हो गया। गाड़ी बढ़ाओ जल्दी। जल्दी चलिए ना। मुझे एक बात बताइए, ऐसे किसी की भी गाड़ी में बैठना
आपकी आदत है या शौक? मजबूरी, वरना मुझे कोई शौक नहीं आपकी गाड़ी में बैठने का। इधर क्या घूर रहे हो, आगे देखिए ना। प्लीज ड्राइव फास्ट। स्लो चलाऊंगा मैं। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट मारूंगा मैं। बांद्रा जाना ना। हाँ। तो चुप बैठो अभी। रुको रुको, स्टॉप, इसे खोलो ना। आपने मुझे फ्री लिफ्ट दी तो मैं आपको फ्री एडवाइस देती। इधर उधर देख के गाड़ी मत चलाइएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लेट हो रही हो ना, अब जाइए ना। ओके, कैरेक्टर अच्छा है। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। नमस्ते। हेलो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? काम करने आई हूँ, आपका चेहरा देखने नहीं। व्हाट? आपको कल ही कहा था ना आपके लाइक का कोई काम नहीं है यहाँ। मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है सर। किसने दिया? वही जिनके नीचे आप है, आपसे ऊपर वो है, चेयरमैन साहब ने। बताइए लेटर। बताती हूँ। कहाँ चला गया, साथ में तो लाई थी। तुम क्या समझती हो, ये नाटक करने से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर प्लीज। एक मिनट, गेट आउट, मैं ढूंढती हूँ। कहाँ चला गया? ये आपका लेटर, आप गाड़ी में बुलाएंगे। तुम? ये मेरा दोस्त है, सुबह इन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। इन्हें घूरना बंद कीजिए और ये पढ़िए। हाँ ये ठीक है, जरा आप अंदर आएंगे। आइए आइए आइए, इनसे अच्छे से बात कीजिए, बहुत अच्छे आदमी है। ये क्या लगा रखा है बाप बेटे ने यार? अरे एक नौकरी पे रखता है, दूसरा पटाता है। किसको पटाता है? अरे इसको, अरे ये एड़ी लड़की है, आके मेरी गाड़ी में बैठ गई, मुझे बोला कि मुझे बांद्रा छोड़ दो, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। अब मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पे नौकरी कर रही है। अच्छा, वो तो कह रही थी वो तेरी दोस्त है। दोस्त है? अरे झूठ बोल रही है भाई, पहले दिन पे भाई में झगड़ा लग रही है, सोचो बाद में कितना कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। मैं तो बोलता हूँ फोन उठाओ, लगाओ उसके, फर्स्ट डे को लास्ट डे कर दो। एक मिनट। हेलो, वो लड़की जो अभी अभी आई है ना, उसे अंदर भेजो। हाम्स अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाम्स मार के आया हूँ। पेट क्यों निकला है? नाश्ता करके आऊँ इसलिए। ये लो, आ गई जी। आइए 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 आइए। आपने बुलाया, बताइए कि मैं आपको कब से। एक मिनट, आप इन्हें कब से जानती हैं? इन्हें 9:45। टाइम क्या हुआ? 10:15। आधे घंटे से। आधे घंटे से। किस पे हंस रही हैं आप? मुझ पे? या मुझ पे? हाँ? हंस लिया? जाइए, 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 जाइए। अरे इस हटेली को नौकरी किसने दी? और किसने? डैड। हाँ। जरा इसे देखिए, ये है हजारों में एक। ये कैसी लड़की है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने? कोई बात नहीं, जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। माता जी इसे देखिए, ये है लाखों में एक। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे विकी को पसंद नहीं आएगी। अरे माता जी, इसका तो सारा हिंदुस्तान दीवाना है, आपने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। माता जी आपको किस तरह की लड़की चाहिए? ऐसी लड़की चाहिए जैसे देखते ही मन से एक आवाज निकले, हाँ यही है। लाइए। यही है जो मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां ला सकेगी, जैसे देखते ही वो कह देगा हाँ। जी, जी, जी। फिर आ गया तू? जी मैं तो माता जी के दर्शन करने आया था। हो गए दर्शन? जी। जाओ। जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी हो जाए बेटा उसे। प्लीज दादी माँ, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन ये जिंदगी कैसे कटी? अब तक कटी है ना, आगे भी कट जाएगी। पता नहीं ये पुरानी यादों को कब भूलेगा। क्या कर रहे हो? मैं 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। 10 मिनट ही तो हुए ना, 10 घंटे तो नहीं हुए। तुम जानती हो ना मैं इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन 10 मिनट में मम्मी डैडी मोहल्ले वाले सबको परेशान कर दिया तुमने। कह दो अपने मम्मी डैडी से कि आज मैं उनके घर के सामने हॉर्न बजा रहा हूँ, कल वो मेरे घर के सामने हॉर्न बजाएंगे ना, और मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा।
अच्छा अब देर नहीं हो रही क्या? चलें। इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत। मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। अपने घर वालों से कहकर हमारी शादी जल्दी करवाओ। मम्मी डैडी बात कर रहे थे, एक साल में शादी करा देंगे हमारी। एक साल? कितनी तेज चला रहे हो, स्लो डाउन विकी। एक साल बहुत होता है। अच्छा बाबा, छह महीने के लिए मना लूंगी, स्पीड कम कर दो। छह महीना? विकी, विकी, स्लो डाउन। अच्छा तीन महीने, ठीक है, अब तो कम कर दो स्पीड। नहीं। ओफो, तो तुम कहो तो कल कर ले शादी। यस। मैं तो ऑफिस को जा रही थी, टना ना ना ना, मैं तो दवाई खिला रही थी, टना ना ना ना। हाइपरटेंशन की गोली? इसकी तो सर को बहुत जरूरत है, इतना गुस्सा करते हैं। बीमारी तो होगी ही। खिड़की, ताजी हवा खाएंगे तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। क्या ये सब? हवा, वो खिड़की बंद करो। अरे खिड़की बंद करो, सुना नहीं तुमने? I'm sorry sir। ठीक है ठीक है। क्या हुआ सर? मेरा सर फटा जा रहा है। हाइपरटेंशन की गोली दूं? नहीं, देखो ये पेपर्स उठाओ और इन्हें स्टेपल करो प्लीज। कौन से वाले? ये पेपर्स। जी। क्या ढूंढ रही हो तुम? स्टेपलर। इसे कहते हैं स्टेपलर। हाँ। अरे जल्दी करो ना। अरे ये क्या किया तुमने? सॉरी, आई एम सॉरी सर। गेट अप, गेट आउट। You're fired, you're terminated. Sorry. I'm very sorry, sir. क्या सॉरी? सॉरी। क्या हुआ? क्या हुआ विकी बेटा, इतना चीख क्यों रहे हो? इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? क्यों? डैड, इस ऑफिस में या तो मैं रहूंगा या तो ये। Shut up! अरे विकी बेटा, take it easy, my son, take it easy. ये टाई बड़ी अच्छी लग रही है आप पे, ये कोई नया फैशन शुरू कर रहे हो? डैड, इसे यहाँ से ले जाइए, ये लड़की कोई काम की नहीं। ओह कम ऑन विकी बेटा, ये लड़की बहुत काम की है और आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। वेरी गुड, लेट्स हैव अ स्माइल, स्माइल। आ दैट्स अ गुड गर्ल, दैट्स अ गुड गर्ल। चलो कम कम बेटी। कैची, हाँ कैची छोड़ दो। कम कम बेटी, एक्शन। एरिए का हीरो हूँ, एरिए का हीरो हूँ, क्या पानी कम समझे ली है। एरिए का हीरो हूँ, क्या पानी कम समझे ली है। चल हट जा बाजू चौकरे, चल हट जा बाजू चौकरे, खोपड़ी हटेली है। क्या पानी कम समझे ले है, चल हट जा बाजू चुकरी। समझा? अरे बहुत हटेली लड़की है। क्यों? अरे कल ये आके मेरी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ गई। तू इसकी गाड़ी में बैठी थी? वो मेरा पहला दिन था ना, लेट हो रही थी इसीलिए। और आज मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। नहीं, तू इसको नहीं जानता, ये मेरी प्यारी प्यारी भांजी है। नमस्ते। ओ नमस्ते। ओ स्टार। ओ मामा, इसको मेरे ऑफिस हीरोइन लो ना यार। ये यहाँ पे हीरोइन बनने नहीं आई है, नौकरी करने आई है। अरे मैं जानता हूँ कहाँ पे नौकरी कर रही है, मालिक हो के मैं वहाँ पे नहीं जाता, ये वहाँ पे जाके क्या कर लेंगी। तू इसके यहाँ नौकरी कर रही है? इनकी बड़े भैया के साथ। अरे तू मेरे बड़े भैया का गुस्सा नहीं जानती। जानती जितना हूं। मैं नाक हूँ ना,
वो उतना खतरनाक है। हाय हाय हाय, क्या एक्सप्रेशन है, किसी सीन में इस्तेमाल करेंगे, याद रखना। चलिए ना मामा जी, मामी जी वेट कर रहे हैं। गुड नाइट, बाय बाय। चलिए ना। ए मामा, मामी जी के पास जा रहा हूं। इधर चल, रियाज कर। छोड़ना मामी, चले इधर रियाज कर, हट। ए अरे क्यों मरवा रहा है? क्या इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस बार तो टेंडर हमने बहुत लो प्राइस में भरा था ना। उस कंपनी और हमारी कंपनी में प्राइस का कितना फर्क है? सर मुझे पता नहीं। ठीक है तो पता करके मुझे फोन कर। इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बाद में फोन करो प्लीज। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग विकी साहब। गुड मॉर्निंग सर, क्या हुआ सर? इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से गया। विकी साहब इस बार भी? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 3 सालों से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिल रहा है। एक बार हो सकता है, 2 बार इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन तीसरी बार? सही बात है विकी साहब, बहुत कम डिफरेंस से कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जाता रहा है। इस बार तो डिफरेंस सिर्फ 2 रुपए का है। तुम्हें कैसे मालूम? प्राइस ओपन हुई थी तो सर, प्राइस ओपन हुई थी। अभी अभी मैंने टेलीफोन पे बात की है, प्राइस तो कल ओपन होगी। इसका मतलब गद्दार तुम हो। तनख्वाह हमसे लेता है और काम दूसरों का करता है। नहीं। बोल कितने में बिका तू? विकी साहब माफ कर दीजिए मुझे। विकी गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। गेट आउट, गेट आउट। अरे आप अभी तक गई नहीं? आप भी तो अभी तक नहीं गए। आपको तो चले जाना चाहिए था। मैंने सोचा आपको कुछ काम होगा। ऐसी कोई बात नहीं, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी आइए। थैंक्स। सर क्या हुआ? मैं अपना बैग भूल आई। सपना आपकी लाइफ में ऐसा कोई दिन आया है जिस दिन बिना गिरे पड़े कुछ भूले कुछ किया है? जी सर। क्या किया? यू गो एंड गेट योर बैग। आई एम सॉरी सर, लाती हूँ। चलते हैं तेरे। हाँ चलोगे, बहुत हो गया। कोई है? सब ठीक तो है ना सर? प्लीज जल्दी कीजिए सर। इमरजेंसी केस है, ये तो गहरी चोट है मैडम, ये तो पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करो। जी डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं? देखिए कितना खून बह रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक पुलिस नहीं आएगी। पुलिस आके क्या करेगी? इनका इलाज करेगी? आप खुद कह रहे हैं कि इनको इतनी गहरी चोट लगी है और आप ही इलाज करने से इनकार कर रहे हैं? अगर पुलिस आने तक भगवान न करे इन्हें कुछ हो गया तो? कैसे डॉक्टर हैं आप? आपका फर्ज है इंसानों की जान बचाना। डिग्री लेते वक्त आप लोग मरीजों की जान बचाने की कसम खाते हैं और डिग्री मिलते ही भूल जाते हैं। क्या आपको इनकी जान की कोई परवाह नहीं? डॉक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, इनकी जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके ओके ओके। आप यहीं रुकिए। नमस्ते। क्या हुआ जी? वो कुछ नहीं हुआ,
कुछ नहीं होगा मेरे विकी को, कोई रोएगा नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा? He's all right, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कहती थी ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। शुक्रिया अदा मेरा मत कीजिए, बल्कि इनका कीजिए, जो आपके बेटे को वक्त पर यहाँ ले आई और उसकी जान बचाई, और साथ ही मुझे मेरा फर्ज भी याद दिलाया। शी इज अ ग्रेट गर्ल। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। बड़ी प्यारी बेटी है। डॉक्टर साहब, उसके सर पर गहरी चोट लगी है, जब तक होश नहीं आता मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम तो जानती हो ना मां कि इस दुनिया में तीन ही एक्टर हैं, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और एक मैं। दिलीप कुमार तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर आया था, अमिताभ बच्चन ने तुम्हारी मंदिर की घंटी बजाई। मैं नहीं बजा सकता क्योंकि तुमने मुझे ऐसा बनाया कि मेरे हाथ ही नहीं पहुंचता। दिलीप कुमार अपने प्यार के लिए आया था, अमिताभ बच्चन अपनी माँ के लिए आया था, मैं अपने भाई के लिए आया हूँ। वो दोनों तुमसे झगड़ा करके चले गए और फिर भी तुमने उनका सीन हिट करा दिया। मैं तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ, हाथ जोड़कर खड़ा हूँ मैं तुम्हारे सामने। तुम मेरी भाई की जिंदगी बचा दो, मैं सोचूंगा कि मेरा भी सीन हिट हो गया। मेरी भाई की जिंदगी बचा दो प्लीज। अब कैसे हो बेटा? ठीक? बिल्कुल ठीक है। दो तीन दिन में देखना घर आ जाएगा। He's a strong boy. All the best. भाई ठीक है ना? देख ले। तुम ठीक हो गए? अरे मेरा सीन हिट हो गया। चलो घर में चलो कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आज दिन क्या है? वेडनेसडे। लेग्स। टाइम मारेंगे, टाइम मारेंगे, टाइम मारेंगे। याहो। अरे ये सब क्या लेकर आई हो? पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए, गिरवा दी ना फाइलें। I'm sorry. अब उठवाइए फाइलें। Sorry, I'm sorry. सर देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। ये इतनी फाइलें क्या ऑफिस में ताला लगा कर आई हो? सर ने कहा इम्पोर्टेंट फाइल ले आओ। मैंने सोचा सारी फाइलें इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए सब ले आए। मैंने ठीक किया ना बॉस? बिल्कुल ठीक किया। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। थैंक यू बॉस। सर कहाँ है? कमरे के अंदर। वेरी गुड, नाउ यू आर परफेक्टली ऑल राइट, बट रिमेम्बर नो मेंटल स्ट्रेस। ये क्या अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रहे हो? हिंदी में दवा का नाम बताओ। दादी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई काफी ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी दिमागी सुकून की जरूरत है बस। सुकून? अरे कहाँ से मिलेगा सुकून, ये तो ऑफिस घर में खोलने के चक्कर में है। ये देखिए, मैंने एक ही फाइल मांगी थी ना। आई एम सॉरी सर। हां विकी, नो वर्क, नो वर्क। ये ऑफिस के काम भूल जाओ 10 दिन तक। बलराज इसे 10-12 दिन के लिए किसी हिल स्टेशन पर ले जाओ। अरे डॉक्टर, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया डॉक्टर। आई थिंक हम सबको फार्म हाउस जाना चाहिए। हे दैट्स अ बेटर आइडिया। अरे नंदू, मोहन, मुरारी, फौरन सामान पैक करो। लेकिन डैड ये ऑफिस का पैदा भी नहीं हुआ था तब भी था ये ऑफिस। राइट दादी, बंद नहीं हो जाएगा। राइट दादी, चुप, नो टॉक, फुल स्टॉप, और हम सब गोइंग फार्म हाउस। अच्छा सर मैं चलती हूँ। अरे आज नहीं कल चलना है। तू भी चल हमारे साथ फार्म हाउस। पर दादी जी मुझे मामा मामी से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो ले ले। मामे की नहीं है, बीच बवर में गुड़गुड़ गोते खाए। मामे परमिशन दे दे, मामे ने परमिशन दी, मामा भी साथ जाएगा। मामी भी साथ जाएगी। अजी ये डॉक्टर भी जाएगा, भैया ये डॉक्टर भी जाएगा। अजी आप क्यों आएंगे? अजी मेंटल स्ट्रेस है। क्यों? क्या है? अभी हॉस्पिटल से निकला हूँ, एक्सरसाइज करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या? अबे नाटू हंसता क्यों है? गुड मॉर्निंग। ये लो आ गई। तुम यहाँ क्यों हैं? जी वो, क्या वो? दादी माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती दो नौजवानों को ऐसे देखते हुए? आई एम सॉरी सर। सॉरी सर क्या? सॉरी सर, चलो ये उठा के दो मुझे। अरे उठा के दो मुझे, कम ऑन प्लीज, पिक इट अप एंड गिव इट टू मी, कम ऑन। अरे रहने देना प्रेम। ओके ओके, लेट मैन, लेट बी। अच्छा एक बात बताओ, हम दोनों में से किसकी बॉडी अच्छी है? पर कुछ बोलने से पहले पहले मेरी बात सुन लो। मुझे अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं होती और भाई की बुराई मैं सुन नहीं सकता। लगता ही नहीं कि आप दो हैं, ऐसा लगता है कि बीच में आईना खड़ा है। क्या?
दादी माँ ने बुलाया है, नाश्ता रेडी है, जल्दी से आएगा। ओके आए। ये एड़ी बहुत छानी है। सही तो बोल रही है ना, हम दोनों एक ही है ना। दादी माँ वाह, आज तो नाश्ता बिल्कुल। ये आपके लिए मना है, नो ऑयली फूड अलाउड। आपके लिए ये बॉइल्ड अंडा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम भी खाओ ना, दवाई लीजिए। वाह वाह वाह, मेरा आना तो बिल्कुल बेकार हो गया, मेरी जगह सपना ने ले ली। अब नाश्ता करो, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ तुमको छोड़ के आएगा। तुम तो यही चाहोगे कि मैं वापस चला जाऊं ताकि तुम मनपसंद खाना खा सको। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे लेकिन ये खाओ डैड। अरे डॉक्टर साहब आप हो ना यहाँ पे? हाँ, मैं अपने बेटे का कहना कभी नहीं टाल सकता। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। क्या हुआ जी? बाजू के फार्म हाउस वाले खन्ना साहब है ना, उनको भी डायबिटीज थी। एक दिन वो चुपके से फार्म हाउस में आए, अपने मनपसंद का खाना खाया, लुढ़क गए फार्म हाउस के पीछे। आज उनकी समाधि है। खाओ खाओ खाओ। क्या कह रहे हैं आप? शुभ शुभ बोलिए। एक बात तो है भाई, अपनी मर्जी से खाने में जो मजा है किसी और की मर्जी में नहीं। स्पेशली अरे वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया नंदू। नंदू अगर तेरे हाथ मोटे और भद्दे नहीं होते ना तो आज मैं तेरे हाथों को चूम लेता। जिसने खाना बनाया उसके हाथ बड़े सुंदर हैं। किसने? सपना बेटी ने। अरे वाह, दोना 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 दोना। अरे भाई इधर मत आना, प्रिय सब गिर गए। चलिए हाथ दीजिए, दीजिए हाथ। किस पे हंस रही हो? मुझ पे? मुझ पे नहीं, सॉरी बोलो। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, ओए आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। किसी को दिल में रखती है, किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। तो है ये तीखी लौकी, उस पे नीम चढ़ी है, उस पे नीम चढ़ी। कद इसका छोटा है लेकिन करती बात बड़ी। ऊंची ऊंची सैंडल उस पे पहन के काला चश्मा, बने हीरोइन समझे देखो खुद को ये करिश्मा। आजकल की तितलियां कमाल करती है, आजकल की तितलियां कमाल करती है, और किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है।
आई थिंक डैड कैसे नाच रहे। कम ऑन डैड, ये ये ये। देखो यारो एक बंदरिया चले हंस की चाल, चले हंस की चाल। गाना और बजाना चाहे ना समझे सुरताल, मिले जिसे ना वो कहता है खट्टा है अंगूर, हर लड़की मुझको चाहे मुझ में है ऐसी बात, देख देख के मुझको चलती है ये तो दिन रात। चल मेरे भाई पंगा ना ले इससे तू बेकार में, नहीं लिपट जाएगा जाके इस बिजली के तार में। आजकल की बिजलियाँ कमाल करती है, आजकल की बिजलियाँ कमाल करती है, किसी को दिल में रखती है, हर गुज़े पे मरती है। फूलों के रस में नहाई है, तारों की दुनिया से आई है, रूप सुहाना तू पाई है, सबके दिलों पर छाई है। तू जिस घर में जाएगी सारे अंधेरे मिटाएगी, खुशियों के दीप जलाएगी, सबका नसीब जगाएगी। आजकल की छोरियां कमाल करती हैं, हाय आजकल की छोरियां कमाल करती हैं, किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल की लड़कियां कमाल करती है, आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं। निशाना ध्यान से मारना, कहीं चूक गया मैं तो गया। प्रेम, वो दिलीप कुमार कैसे गोली मारता है वैसे मार। ना, ना मामा ना, हिलना नहीं, वरना जान भी जा सकती है तुम्हारी, क्योंकि दिलीप साहब ने आज पहली बार ये गन उठाई है। ध्यान से। बच गया, बच गया। मामा, अब नहीं बचेगा। उससे छूटा है ना ये संतरा? ये बहुत छोटा है यार। अरे ये तो कुछ नहीं है, उससे छोटा है ये अंजीर। यही ठीक है। ध्यान से। अच्छा प्रेम, अमिताभ बच्चन गोली कैसे चलाता है वैसे चला? अरे नहीं 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 नहीं, वो अमिताभ बच्चन वो लेफ्ट हैंड से चलाता है, तू राइट हैंड से चला। वो पदाशी लेफ्ट हैंडर है, तू पदाशी राइट हैंडर है। ध्यान से मेरे बाप, ध्यान से प्लीज। आंख बंद कर। प्लीज। ऐ साला चुप बैठ, अगर ज्यादा बकबक किया ना तो हम तुमको भून कर रखेंगे। Good shot, Prem! बच गया, बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। मामा, नहीं बचा, उससे भी छोटा है अंजीर। नहीं, ये cheating है, what is this happening यार? This is no acting, no, no, no! मामा, जितना हिलना हिल, क्योंकि अपना स्टाइल एकदम अलग है। ये तो अंजीर है खजूर, इससे तो अपन अंगूर भी उड़ा सकता है, ये देख। मामे, दिलीप कुमार हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया। अब मेरा प्रेम किस स्टाइल से मारेगा? अरे अभी उसका स्टाइल बनाने उसको टाइम लगेगा। आग बंद। आ जाओ। प्रेम से दूर लेके जा रहा हूँ। बॉस, मैं इस पे एक बार बैठ सकती हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, आओ बैठी। पहले कभी बैठी हो? नहीं, लेकिन अरे कोई बात नहीं, कुछ एक बार ट्राई करना। There's always a first time. Put your left leg here. That's it. Very good. शाबाश। राम 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 राम। ये क्या है? मामे आंखें खोल। तुम लोग भी आना यार।
क्या हुआ? अरे मेरी भांजी! बचाओ! अरे घोड़ा रोको! अरे थोड़ा मेरी भांजी को बचाओ! अरे डैडी भाग रहे हैं, कि हार्ट अटैक नहीं हो जाए। अरे डॉक्टर है ना साथ में। अरे उसके खुद के दो बाईपास हो चुके हैं यार। अरे मेरी भांजी को बचाओ! मेरी भांजी! भांजी! अरे रोको! अरे घोड़ा रोको! अरे बेटी इसको! अरे क्या हम यार? चल यार। बचाओ! जूलियट रुक जाओ! रुक जाओ! जूलियट बचा लो मुझे मेरी माँ कोई है बचा लो मुझे बचा लो मुझे मिलेगा। अरे नाटू रोकना पड़ेगा उसे। अरे ये तो जॉकी है। अरे फिर भी रोकना पड़ेगा। अरे वो घोड़ी बहुत अड़ियल है, उसके ऊपर से ये अड़ियल है। अरे इसीलिए तो बचाना पड़ेगा उसे। अरे ज्यादा से क्या गिरेगी ना वो नाटू। फिर बचाओ, अगर इतनी फिक्र तो जा बचाना फिर। बचाओ मुझे। हाँ मेरा भाई आ रहा तुमको बचाने को। अरे ये नहीं बचने की गारंटी है। अरे भाई ये रो रही है यार, रो रही है, ये रो रही ना खुश है, बचा है ना खुश है। इसे वापस घोड़ी पे बिठाओ। चलो बैठो, क्यों बैठो भाई? किसपे रो रही तू? मुझपे? नहीं। मुझपे? नहीं। सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। I'm sorry sir। चलो घर में। तू ठीक तो है ना बेटी? तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं मैं ठीक हूँ। देखो ना विक्की बाबा की वजह से मेरी सपना बच गई माँ जी, है ना? भांजी तुम ठीक हो ना? क्या भांजी भांजी कर रहा है? जब राइडिंग नहीं आती तुम्हें तो घोड़ा भगाने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं भगाया, वो खुद भाग गई। घोड़ा पागल हो गया था कि अपने आप भागेगा? वो बंदूक की आवाज से डर गई वो और मुझे लेकर भाग गई। और मामा तुम्हें अपनी भांजी की लाइफ की कोई परवाह नहीं है? हाँ? इन्होंने क्या किया? दादी सर पे तरबूज रखते हैं, मौसम्बी रखते हैं, बोलते फोड़ो। क्या? इसने बंदूक की गोली और बंदूक की आवाज से घोड़ा भी दाग गया। और जब तुमको घोड़ा चलाना आता नहीं है तुम घोड़े पे बैठी क्यों? अरे घोड़ी घोड़ी। अरे अब जाने भी दो। डैडी आ गए, डैडी आ गए। नर्वस है बेचारी पहले से। चलो अंदर। चलो कम ऑन। चलो चलो। हाँ चलो। मामा वो बाकी है ना? क्या? दो अंगूर एक मूंगफली एक गोली। हाँ हाँ वो नहीं फोड़ने दूंगा। क्यों? अरे बहुत जरूरी है। कम ऑन विक्की, कम ऑन। अरे आउट नहीं हो रहा है। आउट कैसे? मुझे नहीं अरे कमाले। अरे मैंने तो शॉट मारा। अरे क्यों कर रहे आउट? अरे मेरे आउट करो फिर बैठ लो। ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। अरे ये तो हमारे खेलने की। अरे ये से उम्र की क्या बात है? आउट भाई आउट तो बोल कर रहे हैं। अरे अंपायर मैं हूं, मुझे तो कुछ आउट है कि नहीं है। अरे तू तो फ्रॉड है और कोई कैच नहीं पकड़ेगा। यस कम ऑन कम ऑन। यस भाई डुबती कितनी खूबसूरत लग रही है ना। अरे मेरी भांजी को बचाओ, तुम डूबने की बात कर रहे हो तो फिर तुम जाके बचाना यार। मुझे तैरना नहीं आता ना। अबे चुप बैठो। नाटू तू जाता है कि मैं जाऊं? क्यों जाए, इतने पानी में कोई डूबता है क्या? अरे तुम लोगों के मजाक में सपना की जान चली जाएगी। जाना आपको बचाना है, आप जाओ ना। नहीं नहीं हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है। क्रिकेट खेलने के टाइम पे कोई हार्ट प्रॉब्लम? अरे अब जाओ ना। अरे जाना। अरे उसे बचाओ, तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो। हां दे ब्रेसलेट दे, खाली वाटर प्रूफ है। अरे कोई वाटर प्रूफ नहीं, डैडी ने दिए। अरे जाओ ना, जाओ ना, उसे बचाओ सपना। अरे जा रहा ना, यू शट अप। हां दे दे दे, अभी बैग मत उतारना। खुश अरे यार अच्छा फाइट कर लेते हैं। अच्छा झूल बन लेती हैं आप। स्विमिंग पूल का पानी बहुत साफ रहता है दादी माँ। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग मामी जी। गुड मॉर्निंग।
रहने दे तू औरों का ख्याल रखना, बना देती हूँ। बहुत प्यारी और सुंदर बच्ची है मेरी, चांद का टुकड़ा है। चांद का टुकड़ा नहीं दादी माँ, ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। हाँ। बस क्या बताएं दादी माँ, हमने तो बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए कि इसको माँ बाप की कमी महसूस ना हो। बस अब तो एक ही सपना है दादी माँ, किसी अच्छे से घर के अच्छे से लड़के से इसकी शादी हो जाए। और शक्कर कितने चम्मच लेंगी? आधा चम्मच बस। कोई अच्छा लड़का देखा है? अरे देखा तो है दादी माँ, पर क्या बताएं, अब बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। क्यों? बहुत बड़े घर का लड़का है दादी माँ। चीनी आधा चम्मच। तो क्या हुआ, सपना जैसी गुणवंती लड़की उन्हें इस जमाने में कहाँ मिलेगी? वाह वाह क्या बात कही दादी माँ, आप तो ग्रेट हो। मैं तो कहती हूँ आपने सपना को देख ही लिया, कैसे सबका ख्याल रखती है, खास तौर से विकी का, उसके खाने का पीने का दवाई का, है ना? सपना मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ सपना, लेकिन कभी कहने का मौका नहीं मिल पाया। कभी डैडी, कभी दादी, कभी मामा, कभी मामी, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा सपना, बहुत खुश रखूंगा। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आई लव यू। जवाब दो ना। अरे जवाब तो मैं तुझे दूंगी कमबख्त। अरे प्रेम ये कैसा मजाक है, अच्छा मजाक नहीं है, है ना दादी माँ? ग्रेट, मान गए भाई, क्या परफॉर्मेंस है, क्या एक्टर है यार तू। तुम्हारे मामा के साथ ये रिहर्सल कर रहा था, फीलिंग नहीं आई तो ये सब। सुनो सुनो, एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग। कमाल की एक्टिंग की प्रेम, मैं तो कहती हूँ नाटक नौटंकी छोड़ो, फिल्मों में ट्राई करो। यही करूंगा, यही करूंगा अभी, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ तीन ही एक्टर है, एक दिलीप कुमार, दूसरा अमिताभ बच्चन, तीसरा तू है मेरे भाई। यस मेरे भाई, चल मेरे भाई। अरे मुरारी मेरा बैग लेके आना। मुन्ना मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मुझे डैडी समझा के मुझसे प्यार से बात करना। मेरे पास टाइम नहीं है। सब बोल। क्या हुआ? मुझे डैडी से मिलना, कोई मेरा बैग नहीं लेके आ रहा। मैं लेके आती हूँ। रियली लेके आओगी? हाँ नो प्रॉब्लम। थैंक यू। आज पहली बार कोई लड़की मेरे बेडरूम से बैग लेके आ रही, जो बैग टिक्की में है। बड़ा मजा आया, इसने बहुत अच्छा। हाँ वाकई बढ़िया रहा। अरे ये सामान जरा अंदर डाल देना। जी साहब। सपना कहाँ है? वो मामा मामी के साथ आ रही है। अच्छा अच्छा तो फिर हम चलते हैं। चलिए चलिए आइए। Let's go. प्रेम, चल चलते हैं। चलो। अरे फिर ये गाड़ी कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा। डैडी यू गॉट हार्ट प्रॉब्लम। अरे क्या हार्ट? और फिर बोलते यू डोंट केयर। अरे डॉक्टर साहब है ना, मैं हूं। अरे इनके खुद के तो बाईपास हो चुके हैं। मजाक मजाक कर रहा है। आओ बेटा तुम चलाओ, कम ऑन भाई भाई। चलो जी घर चल के लिखते रहना। सपना सपना वो चलेगी दादी के साथ। हाँ मैं चलता हूँ तेरे साथ। क्यों? बीवी के साथ जाओ ना, उसको घर में काम है। क्या काम? समझा करना, पीटेगी मेरे को। मोटी हो गई है? हाँ भद्दी लगती है। अरे मैंने गंदी लगती है। अरे क्या मोटी हो गई है, ये कह रहे हैं। प्रेम घर चलो, बताती हूँ मैं तुमको, घर चलो तुम, घर चलो। मेरे को आजकल के लड़के बैग तो नहीं है अंदर सर? नहीं प्रेम का हो। प्रेम बैग तो नहीं है अंदर? हाँ मुझे मालूम है, बैग तो यहाँ डिक्की में है। अच्छा पर सब लोग कहाँ चले गए? उन सबको मैंने भेज दिया। पर मुझे छोड़कर क्यों चले गए वो? उन्होंने तुम्हें मेरे लिए छोड़ा है, चलोगी मेरे साथ? हाँ एक डायलॉग बोलो। आज पहली बार कोई लड़की मेरी गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठेगी। आओ मेरी माधुरी दीक्षित, आओ ना मेरी माधुरी दीक्षित, मेरी माधुरी दीक्षित। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया,
ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। उसको बताऊं धीरे धीरे दर्द बढ़ाता है कोई, हौले हौले मुझे तड़पाता है कोई। धीरे धीरे दर्द बढ़ाता है कोई, हौले हौले मुझे तड़पाता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया। ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में पहले कभी तो मुझको होता नहीं था, होश उड़ता नहीं था, चैन खोता नहीं था। उड़ाता है कोई, कैसे कैसे मुझको सताता है कोई। आते जाते होश उड़ाता है कोई, कैसे कैसे मुझको सताता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया। ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया। ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। क्या बात है माँ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? इन चार दिनों में ऐसा अजीब सा लगाव हो गया उस लड़की के साथ, अब सब कुछ सूना सूना लग रहा है। हाँ, उसे गए हुए बस थोड़ा ही वक्त हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जमाने से उसे देखा नहीं। अगर हमेशा के लिए वो इस घर में आ जाए तो विकी के लिए इससे अच्छी लड़की मिल नहीं सकती। विकी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए बस। होगा, इस बार मैं उसे राजी करा के छोड़ूंगी। घर छोड़ दिया ना, अब जाओ, कल रिहर्सल में मिलेंगे, बाय। मामा, मुझे ऐसा लगता है मुझे तेरी भांजी से प्यार हो गया। क्या? और उसे? पता नहीं। देख, अगर उसने खिड़की खोलकर देखा, हाँ, तो इसका मतलब प्यार उधर भी है। और नहीं खोल के देखी तो आज के बाद इस मोहल्ले में नजर नहीं आना,
वो मेरी भांजी है, टांगे तोड़ दूंगा। क्या बात है। वैसे अगर उसने खिड़की खोलकर देखा तो खुशी मुझे भी होगी। क्या लगता है? खोलेगी 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 खोलेगी। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया। ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। डॉक्टर, लगता है शहर में तुम्हें एक ही बेवकूफ मिला है, मैं। तुमको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि मैं तुमसे इलाज करवाता हूँ। आज तक मैंने तुम्हें किसी और पेशेंट के पास जाते हुए नहीं देखा। शराबत का जमाना नहीं रहा, 10 पेशेंट छोड़कर तुमको देखने आता हूँ। आधा घंटा हो गया, तूने एक कप चाय के लिए पूछा? उसकी क्या प्रॉब्लम है, चाय भी पिलवा देते। पिलवाइए। अरे नंदू, डॉक्टर साहब के लिए चाय ले आओ। मेरे पास नाश्ता है साहब। अरे डॉक्टर साहब के लिए अच्छी चाय बना लाओ। मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं साहब। गोपी, आप मेरे हाथ में जूते हैं साहब। आखिर ये हो क्या रहा है, पूरा घर बिजी है, मेरी बात सुनने के लिए किसी को फुर्सत ही नहीं है। आखिर ये क्या खास बात है? कुछ तो गड़बड़ है। ओह, एक्टर तैयार हो रहा था नौटंकी पे जाने के लिए। पाप्स, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? जी। तुमने मुझे नींद की गोली तो नहीं दी ना? नहीं। तो ये मैं जागते हुए सपना क्यों देख रहा हूँ? सपना, उसी की खातिर तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा। साहब, आपने इन्हें ओवरएक्टिंग गोली तो नहीं दी? आई डोंट थिंक सो। देखा, मेरा बेटा खुद ही ऑफिस जा रहा है। मैंने कहा था ना डैड, जिस दिन इसे जिम्मेदारी का एहसास होगा ये खुद ब खुद ऑफिस जाएगा। तू ऑफिस तो जा रहा है लेकिन तू करेगा क्या वहां पर? तुझे काम तो आता नहीं है। डैड, गधे के बच्चे को कोई लात मारना नहीं सिखाता। क्या बोला ये? डैड, ये कह रहा था कि वो मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। ओह यस डैड, यस, दैट्स करेक्ट। भाई, एक माइंड ब्लोइंग चीज बतानी है आपको। दिल से काम करना। दिल ही तो लगाने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। ये क्या? हाय 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 हाय। प्रेम, तुम यहाँ ऑफिस में? प्रेम, आपको नौकरी पर किसने रखा? मिस सपना, आप बॉस को नाम से बुलाती हो? बॉस को सर या आप करके बुलाओ। जी अच्छा। जी अच्छा नहीं, सॉरी सर। आई एम सॉरी सर। तुम मेरे कैबिन में जल्दी आओ। जी, कैबिन में क्यों? कैबिन में क्यों? मिस सपना, दिस इज एन ऑफिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर डिक्टेट कराना है, कम इमीडिएटली। आइए और लिखिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। What? No what's, ifs and buts, okay? लिखिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हैं? कभी कभी क्यों, रोज आना चाहिए। गलत है, दूसरा लिखिए। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अरे प्यार का इजहार थोड़ी ना हुआ, ये ऐसा लगता है कोई कोर्ट में गवाही दे रहा है ना? सर, आखिर आप लिखवाना क्या चाहते हैं? मैं तो बस 3 सिंपल अल्फाज लिखवाना चाहता हूँ। आई लव यू। ये लेकिन बड़ा नॉर्मल सा है, इसकी जगह कुछ हटके नहीं हो सकता है? आई हेट यू। क्यों? ये क्यों नहीं लिखवाते? ये कैसे लिखूं? हाउ बैड। हाय डैड। एंड यू आर सो सैड। ओ प्लीज हिट द पैड। अरे वाह, मेरा बेटा सचमुच ऑफिस में काम कर रहा है। अरे बेटी बताओ तो सही, क्या काम कर रहा है? इन्हीं से पूछ लीजिए। और कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑफिशियल लेटर टाइप कर रहा था बस। ऑफिशियल लेटर? मेरे बेटे का फर्स्ट ऑफिशियल लेटर? जरा पढ़ के बताओ। क्या फायदा डैड? क्यों? समझ में नहीं आएगा। चलो चलो पढ़ के बताओ। हाँ, नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रिस्पेक्टेड सर, दिस इज द रिक्वेस्ट।
प्लीज पे अस अ बैलेंस अमाउंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक और वी टेक यू टू कोर्ट। अरे बेटा क्लाइंट के साथ ऐसे पेश नहीं आते। देखो डैड, आपके काम करने का स्टाइल और मेरे काम करने का स्टाइल में बहुत फर्क है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वेरी गुड आई लाइक दिस एटीट्यूड माय सन। वेरी गुड, यू विल गो लॉन्ग वे माय सन। थैंक यू डैड। डैड यू गोइंग द रॉन्ग वे। शर्म नहीं है तुम्हें मेरे डैड से झूठ बोलते हुए? उन्हें सच्चाई बता देती तो उन्हें बहुत तकलीफ होती। तकलीफ होने दिया होता? वो समझते कि आप ऑफिस में काम करने आए हैं, मगर नहीं, आप तो ऑफिस को भी रंगमंच समझ के नाटक कर रहे हैं। देखो सपना और समझो। मैं सब समझती हूँ। इसका मतलब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ओह कम ऑन बेबी। नहीं प्रेम साहब, कहाँ आप और कहाँ मैं? वहाँ आप और यहाँ मैं। आप में और मुझ में बहुत फर्क है। हाँ तो आप क्या कह रही थी कि हम दोनों में बहुत फर्क है? अगर हाइट का फर्क है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कलर का फर्क है कि आप गोरी हैं और मैं थोड़ा सा काला हूँ, ये तो और भी अच्छी बात है। और अगर ये फर्क है कि आप लड़की हैं और मैं लड़का हूँ, ये तो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये फर्क अखरता है कि आप गरीब हैं और मैं अमीर हूँ, तो इसे मैं अभी दूर कर देता हूँ। इतना इतना जी साहब। ये ले गाड़ी चाबी। ओबराय साहब से बोलना कि उनका सिर्फ एक ही बेटा है विकी, और विकी साहब से बोलना कि उनका कोई भाई नहीं है। समझा? चलो ये क्या कह रहे हो तुम? चलिए बस में चलिए। सच? चलो। ए मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़कर बस में चलने को तैयार हूँ, और तुम मेरे लिए बस छोड़कर गाड़ी में चलने को तैयार नहीं हो। ये तुम्हारा प्यार है? ओके। क्या ओके? चलो चलो ए चलो। गाड़ी चाबी दे। और सुन ओबराय साहब, विकी साहब से कुछ नहीं बोलना। जी सर। इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से। अरे क्या ऊंची लॉजिक है, काश मैं अपनी लॉजिक की तरह ऊंचा होता। अरे चलो। थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहें प्यार। थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहें प्यार। बस तेरी याद सताती है, रातों की नींद चुराती है, तेरी मोहब्बत जाने जा दिल को मेरे तड़पाती है। बस तेरी याद सताती है, रातों की नींद चुराती है, तेरी मोहब्बत जाने जा दिल को मेरे तड़पाती है। कैसा ये दर्द है जानम, कोई यहाँ इसे जाने ना। कभी तो मुलाकातें कभी है इंतजार, कभी तो मुलाकातें कभी है इंतजार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहें प्यार।
भी तो जागी जागी है, हम दोनों सोए सोए हैं अपने हसीन ख्यालों में, दीवाने खोए खोए हैं, अपना तो हाल है ऐसा, माने कोई या माने ना। मस्ती भी है जरा सी जरा सा है खुमार, मस्ती भी है जरा सी जरा सा है खुमार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहे प्यार। थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहे प्यार। मैं तो मामा मामी के यहाँ ये सोचकर आई थी कि मुंबई में मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम मिल जाओगे। तुम ये सोच रहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ। देखो, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। उस दिन फार्म पे कहा था ना आई लव यू? हाँ। ये भी एक्टिंग ही है। I didn't know you're going to take it so seriously. क्या? I swear. You lied to me. बहुत मारते हैं यहाँ पे लोग। तो फिर ठीक है, तुम जल्दी से जाके अपने घर वालों से शादी की बात करो। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले मेरे बड़े भाई की शादी हो जाने दो, और जैसे उनकी शादी हुई मैं कह दूंगा कि अपनी भी लड़की तैयार है। अच्छा चलो। हाँ, कान में खाना पूछकर नहीं है। वो आदमी वो देखो, मारूंगा एक। मुझसे शादी की बात करते हो, दूसरे आदमी को देखती हो? अरे बाबा, वो बात नहीं है, ये वो ही आदमी है जिसने विकी सर को मारा था। देखिए कहाँ जाता है। हेलो ब्रदर। अरे हफ्ते दो हफ्ते में गाड़ी ठीक करवाने आ जाता है, तू नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेता? अब क्या बताऊँ यार, जब से नौकरी गई है ना, साला पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है और तू गाड़ी खरीदने की बात कर रहा है। चलना यार, गाड़ी चेक करवाना। अरे पांगे देख, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? इंजन में बहुत कचरा है, लगता है एक एक नट बोल्ट खोलकर साफ करना पड़ेगा। देख ब्रदर, इसका शीशा तो टूटा है और इसका पत्रा भी बैंड है, अब क्या क्या ठीक करेंगे हम दोनों? गाड़ियां बहुत है लेकिन मैकेनिक सिर्फ दो। घबराओ मत, आधी गाड़ियां ये ठीक करेगा, आधी मैं। गुड आइडिया। वैसे इश्क में भूख प्यास तो लगती नहीं, लेकिन फिर भी टाइम पास के लिए आप लोग कुछ लेना चाहेंगे? जो आपके दिल में आए आप खिला दीजिए। आपके लेंगी मैडम? वेज क्लब सैंडविच। और शराब? हॉट कॉफी। फायदा नहीं सर। क्यों सर? रखे रखे ठंडी हो जाएगी सर। तो फिर कोल्ड कॉफी पिला दीजिए। राइट सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। बाथरूम किधर है? टू द लेफ्ट सर। एक्सक्यूज मी मैम, मैं जरा बाथरूम हो आया। ओके। अरे सपना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। आओ बैठो बैठो। Here you are, madam. And sir, एक कॉफी ले आना। ये आप ले लीजिए। नहीं, ये इन्हें दीजिए, एक और ले आना। Yes, sir. ये लो।
आप लीजिए ना। नहीं भाई। ओके। अरे भाई। अरे नाटू। इधर कैसे ऐसे? और ये तो वही हटेली है ना। ओहो हो 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 हो, ऑफिस के टाइमिंग के अंदर कॉफी शॉप में प्रेम। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद पूरी दुनिया बात करेगी। चलो दादी माँ की इच्छा तो पूरी हो गई। चुप बैठना। क्यों? तेरी गलतफहमी है। गलतफहमी? कॉफी सैंडविच गलतफहमी? ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? पक्का। 100%? 100%। झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अरे बाय बाय। मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो चलो बाय। सर वो हैंसम नौजवान कौन है? वो मेरा बड़ा भाई है। ओ, मेरा सब कुछ है। और वो लेडी? उसकी भाभी। मुझे तो उसकी कम आपकी ज्यादा लगती है। क्या? परफेक्ट कपल। अरे आप लोग अभी तक सोए नहीं? जवान बेटा जागता रहे तो हमें कैसे नींद आएगी। बेटा जितनी जिंदगी एक इंसान जीता है उतनी तो मैंने झीली। अब कहीं ऐसा ना हो कि तेरा सेहरा देखने से क्या पहले बात कर रही हैं आप दादी? आप मेरा सेहरा क्या, मेरे बच्चों का भी सेहरा देखेंगी? थोड़ा इंतजार करो ना। अरे इंतजार में इतने साल ना बीत जाए कि तेरी दादी की उम्र ही कम पड़ जाए। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। क्या? कौन सी लड़की? सपना। सपना? हाँ। सपना नहीं। क्यों, क्या कमी है सपना में? हाँ, फार्म हाउस में तेरा कितना ख्याल रखा था, हमारा दिल जीता था। मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारे घर के लिए सबसे अच्छी बहू यही रहेगी। मुझे सोचना पड़ेगा। अरे तू सोचता रहे। हमने तो सोच लिया है, इस घर में बहू यही आएगी। हाँ। बहुत बार सुना है कि रोज सेक्रेटरी को देख के बॉस को प्यार हो जाता है। आज मैं भाई को बता ही दूंगा कि सपना तुम्हारी भाभी है। उसकी तरफ देखना भी नहीं, वो तुम्हारे भाई का प्यार है, तुम्हारे भाई की लाइफ है, तुम्हारे भाई की वाइफ है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। अरे भाई। क्या हुआ नाटू, गाड़ी खराब हो गई? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोल। ऐसे? ओके okay. यही बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ता हूँ ना, आओ बैठो। आज पहली बार मेरा भाई मेरे गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठेगा। चलो मेरे भाई। हाँ बोल। ये बात सुनोगे ना तो पागल हो जाओगे। एक मिनट एक मिनट। हाँ सूरी। सर आपने जो पेपर बोले। हाँ वो डायमंड कंपनी के पेपर्स रेडी रखना। ओके हाँ। आपको फोन तो नहीं आ गया ना? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, बचपन से लेके आज तक हम लोग दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया है। अब मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी चीज जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ वो बोल दूँ। क्या है कि मैं? तू कुछ छुपा रहा है? अरे नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अरे नाटू एक मिनट। हाँ सूरी। क्या अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तुमने? अरे कल बोल दिया होता ना। अच्छा लिखो, लिखो। 8 साल से हमारी कंपनी तुम्हारे साथ काम कर रही है। इस बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने से पहले मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? अगर वर्क डेज ज्यादा होंगे तो पेमेंट क्या होगा? अगर वर्क डेज कम होंगे तो पेमेंट क्या होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट रेडी नहीं हुआ द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। ओके ऑफिस। हाँ बाकी चीजें मैं मीटिंग में डिस्कस करूंगा। okay. मैं ऊपर आ रहा हूँ। ओके अरे 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 जाने दे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? बात तो हुई नहीं ना। अरे नाटू तू काम नहीं करता, मुझे तो काम करने दे। आज रात को घर पे बात करते हैं। ओके ऊपर वाला पता नहीं क्यों कर रहा है, रात को तो बोल ही दूंगा। अरे बल! I'm sorry, sir. नहीं गलती मेरी थी, मुझे देखकर चलना चाहिए। नहीं सर, मुझे देखकर चलना चाहिए, ये ऑफिस है, कोई जॉगिंग ग्राउंड तो नहीं। मैं तो ऐसे टहल रहा था जैसे ड्राइंग रूम में। थैंक यू। जब मैं नई नई आई थी मैं आपसे बहुत डरती थी। और अब? डरती नहीं हूँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। चलिए चलो।
सपना? हाँ। सपना नहीं। क्यों? क्या कमी है सपना में? हाँ, फार्म हाउस में तेरा कितना ख्याल रखा था, हमारा दिल जीता था। मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारे घर के लिए सबसे अच्छी बहू यही रहेगी। यस ओके ऑफ कोर्स आई इनफॉर्म यू। हाँ जाने लगी है, मेरा चैन खोने लगा है, मेरी नींद जाने लगी है, मेरा चैन खोने लगा है, मेरी नींद जाने लगी है, मेरा चैन खोने लगा है, मुझे इश्क होने 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 लगा है। लगे है सुहाना, तेरी झुकी निगाहों का मैं बन गया हूँ दीवाना, बीते मेरे दिन तड़प के मुश्किल से रहना गुजारे, मैंने तो आज ये जाना क्या चीज है बेकरारी, मैं भी तो हूँ खोया खोया, अब होश आता नहीं है, ना जाने कैसा नशा है, अब होश आता नहीं है, ना जाने कैसा नशा है, मेरी नींद जाने लगी है, मेरा चैन खोने लगा है, मुझे इश्क होने 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 लगा है। Hey.
हेलो हेलो अरे तुम अभी तक निकली नहीं? सर अभी तक ऑफिस में है इसीलिए लेट हो गई। लेट नहीं, काफी लेट हुई हो, और तुम्हारे काफी लेट होने के चक्कर में मैंने पता नहीं कितनी काफी पी ली है। सो स्वीट। बस मैं अभी आई। बस नहीं, टैक्सी में आओ। टैक्सी पकड़ जल्दी आओ ना प्लीज। आई लव यू सो मच। अच्छा बाबा बाय। किसका फोन था? वो मामा जी का। लेट हो गई ना इसीलिए उन्होंने फोन किया। अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं टैक्सी पकड़ के जाऊंगी। ओके मेरे होते हुए तुम टैक्सी में जाओगी, अच्छा लगेगा। नहीं चलो मैं छोड़ देता हूँ। ओके सर। मैं बैग भूल गई। I'm sorry sir, मैं जल्दी लाती हूँ। एक मिनट। थैंक यू। चलें। वो इंतजार कर रहा होगा। कौन? जी वो आपके घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे ना? अरे आधा घंटा लेट पहुंचूंगा और क्या। रुकिए रुकिए। क्या हुआ? मैं यहीं से टैक्सी पकड़ के चली जाऊंगी, आपका भी टाइम बच जाएगा। अरे तुम्हें मेरे टाइम की क्या फिक्र है? हाँ वो बहुत परेशान हो रहा होगा। कौन? वो आप मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं? अरे तुम्हें घर छोड़ने में क्या परेशानी है? हाँ ठीक है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर तेरे यार की। है मुझे ये यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। यही तो ना यार। अरे मिस्टर गुलाम अली गजल नाइट खत्म हो चुकी है, लोग जा चुके हैं, रेस्टोरेंट बंद कर रहा है। जब तक ये मोमबत्ती नहीं बुझेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सर प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम। सर मैं चलू? चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। बाबा, विकी बाबा। विकी साहब के लिए एक चाय लेके आओ। जी दादी माँ कहाँ है? माँ दादी माँ कहाँ है? दादी माँ। वाह अरे आज विकी बाबू को क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया विकी साहब। हाँ यार दादी क्या मांग रही हो भगवान से? आज तक भगवान से जो भी कुछ मांगा है उसने हमेशा दिया है, पता नहीं ये बहू का अरमान कब पूरा करेगा। दादी जब तेरा कहा भगवान नहीं टाल सकता तो मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं तो इंसान हूँ ना। तेरा मतलब है? हाँ? अरे, अरे नंदू मुरारी, अरे जल्दी आओ, बलराज प्रेम को बुलाओ, मेरी विकी ने हाँ कर दी है शादी के लिए। हाँ? हाँ कर दी है। हाँ? इंतहा हो गई है इंतजार की, आईना कुछ खबर। मैं खुद ला पता हूँ। चलो कुछ खबर मेरे यार की। प्रेम, क्या दादी माँ? कब से तेरा इंतजार हो रहा है? आज मैं ऐसी खबर सुनाऊंगा तू खुशी से पागल हो जाए। ऐसी क्या खबर लाया बापू? ऐसी खबर है कि तू सोच भी नहीं सकता, तेरे भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या शादी के लिए हाँ कर दी? ओ बिग ब्रदर, भाईजान भाईजान। क्यों कौन है वो लड़की? बता भी दूंगा दिखा भी दूंगा। अभी अभी कल? अभी अभी। अरे कल कल। अरे अभी अभी अभी। अरे कल कल कल। अभी कल। कल ले कल ले कल ले। आज ही आज ही आज ही बताना, आज ही बताना यार, इतने साल ठहर गया है तो एक दिन और सही। अच्छा नाम तो बता दो यार। उसका नाम है तेरी भाभी।
अरे ये नाम थोड़ी हुआ, ये तो रिश्ता हुआ यार। अरे तू भी ना यार। क्या भाभी का क्या नाम बताया था? क्या बताओ ना। अच्छा तू सो जा इधर, मैं कल बता दूं। रात भर जगाया, रास्ते भर सताया, अब तो बता दो कौन है। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो पर दिखाओ ना। वो देख, कोई भी तो नहीं है। क्या यार, ठीक से देखना। ये तो सपना है। हाँ यही तो है वो। सुबह से आपको नोटिस मिला था क्या? देख मैं मजाक नहीं कर रहा, यही है वो लड़की। हेलो। तू खुश नहीं? खुश? अरे क्या बुराई है उसमें यार। अरे अच्छा ही क्या इसमें? आपकी चॉइस को हो क्या क्या भाई? इधर से देखो, इधर से देखो, देगी पैकेट दिखती है। हाइट देखो, मुझसे भी नाटी है, गिल्ली डंडी की जोड़ी लगेगी और लोग क्या बोलेंगे? बलराज जोबरा के बेटे ने एक मामूली स्टाफ से शादी कर ली। नहीं नहीं ये रिजेक्ट है भाई, कोई और ढूंढते। ओके नहीं यार, यार लोगों के लिए वो बुरी हो सकती है लेकिन मेरे लिए वो मेरी सब कुछ है यार। यही एक लड़की ने मेरे दिल में प्यार जगाया है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसके साथ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। प्रेम, I really love her. Then I love her too. Actually भाई आपकी चॉइस बहुत कमाल है यार। अभी तो तू कह रहा था कि बकवास है। मजाक कर रहा था क्या? It's so nice to see you happy. अब जल्दी से शादी वादी कर लो, बच्चे अच्छे पैदा करो और मैं जरा भी आया। अरे कहाँ जा रहा है? आपकी सेटिंग हो गई ना? हो गई ना आपकी सेटिंग? मैं भी जरा अपनी फिटिंग करके आया। गुड मॉर्निंग। क्या बाबा, तबीयत पानी सब फर्स्ट क्लास? अरे अच्छा तू आ गया यार, मेरे दिल में ना कुछ भारी भारी सी फीलिंग हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं सोचा जाके भाई को सब कुछ साफ साफ बता दूं। तो उस वक्त क्यों नहीं बता दिया? कैसे बताता यार, देखा नहीं कितना खुश था मेरा भाई, तकलीफ नहीं होती उसे? तो अभी उसको तकलीफ नहीं होगी? अरे तू क्या चाहता है कि जैसे मेरी शादी होने वाली थी अब मैं उसको अपनी भाभी बुलाऊं? बुलाना पड़ेगा। क्यों? अरे क्यों बुलाना पड़ेगा, मैं अपने भाई को जाके सब कुछ सच सच बता देने वाला हूँ। क्यों बताएगा तू सच सच? क्योंकि आज तक मैंने अपने भाई से कोई झूठ नहीं बोला है। एक्सक्यूज मी, अगर इस झूठ से तेरे भाई की जिंदगी बन सकती है तो तुझे ये झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है बोल लूंगा, लेकिन जब भाई को पता चलेगा कि उन्होंने अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ शादी की है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनको कैसा लगेगा? उसको बताएगा कौन? ना तू बोलेगा ना सपना बताएगी। ठीक, जैसे भाई की शादी हो जाए मैं मुंबई छोड़ के चले जाऊंगा। ए तेरे को जिधर जाना है तू जा, मैं भाई के साथ ही रहने वाला हूँ। अरे अगर तू नहीं आएगा तो मैं कैसे जाऊंगा यार? तब फिर तू रो क्यों रहा है? 5 मिनट रोने देना मुझको यार, हल्का हो जाऊंगा मैं यार। तू अपनी भाई की खुशी से खुश नहीं है? ये खुशी के आंसू, ये खुशी के आंसू है। तो फिर आंख से रो और मुंह से हंस। कैसे? ऐसे। ए सिग्नल ऑन हो गया, लोग तुझे पागल समझेंगे, चल निकल यहां से। अरे जा रहा हूं ना यार, और तू कभी मुझसे आके मिलना नहीं फिर से, और तू बुलाना भी नहीं। अरे नहीं नहीं बुलाऊंगा, मैं अपना भाई और अपनी भाभी बहुत खुश है। यही तो मैं चाहता हूँ, चल निकल जा। ए, अरे जा रहा ना यार, जा रहा हूँ।
हाय सपना, क्योंकि पता क्या बात, पुणे जा रहा हूँ, पनवेल में हूँ, यहाँ पे सिग्नल बहुत कम है। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, शादी। हाँ, दो दिन वापस आ रहा हूँ, दो दिन बाद फोन करता हूँ। ओके, अरे प्रेम आ गया, प्रेम कॉस्ट्यूम पहने रिहर्सल करते हैं, चलना यार। अरे इसको क्या हुआ? क्या बात है प्रेम, क्या हुआ? विक्की भाई को प्यार हो गया। विक्की भाई को एट लास्ट प्यार हो गया, प्यार हो गया, शादी करेगा, उसके बाद इस छोटे की शादी होगी और ये मेरी भांजी को लेकर चला जाएगा। जिस लड़की से विक्की भाई को प्यार हो गया वो आपकी भांजी सपना है। क्या मजाक कर रही है? मजाक करना छोड़ो, कपड़े पहन ले। वैसे बड़ा घटिया मजाक था, आइंदा करना नहीं है। नहीं कर रहा यार मैं मजाक, ये कोई मजाक करने की बात है। विक्की भाई को सपना से प्यार हो गया, वो उससे शादी करना चाहते हैं। तू क्यों नहीं बोल देता विक्की भाई साहब को कि तू सपना से प्यार करता, उससे शादी करना चाहता है? क्योंकि नहीं बोल सकता मैं। मैं तो बोल सकता हूँ ना। नहीं बोलोगे तुम? मैं उसका मामा हूँ, फैसला करने का हक सिर्फ मेरा कि वो किसके साथ शादी करेगी, किसके साथ शादी नहीं करेगी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू और सपना एक दूसरे के साथ कितना प्यार करते हो। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि मैं विक्की भाई से कितना प्यार करता हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जानते हो कि नहीं? देखो मामा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत नाटक किया, अब मेरे लिए नहीं, विक्की भैया की खुशी के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, तुम सबकी मदद चाहिए होगी, प्लीज। ओके, कसम खाली मैंने, आज के बाद मैं नाटक डायरेक्ट करूंगा नहीं, खास तौर से प्रेम के साथ तो बिल्कुल नहीं। क्या बात है मामा जी, क्या हुआ? ये साला प्रेम का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? पर हुआ क्या? वो हमारे ग्रुप में लड़की है ना सोनिया। हाँ? अरे तुम तो मिल चुके हो उससे। प्रेम का कहना है कि हर नाटक के अंदर उसे वो हीरोइन चाहिए, चाहे वो रोल उसको सूट करे ना करे। आप पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रेम जी उसके साथ मस्ती मारे, ऐश कर रहे हैं, इसलिए मैं रिहर्सल छोड़कर आ गया। ये कैसे हो सकता है, प्रेम तो पूना में है। क्या, इधर गया है? पूना में, उसने खुद बोला है मुझे। पूना में? पूना वो अपने घर वालों के लिए गया है, उधर रिहर्सल हॉल में उसी लड़की के साथ। क्या बोलूं मैं, चलिए ले चलिए मुझे, कम ऑन। क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना जल्दी पकड़ा जाऊंगा। तो ये था तुम्हारा पूना, तुम्हारा जरूरी काम, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम ये सब। देखो, तुमने मुझ पे भरोसा किया, तुम्हारी मिस्टेक, अगर तुम मुझ जैसे आदमी पे भरोसा करोगी तो धोखा तो खाओगी ना। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। अरे जैसे कि अब तक जीती आई हो, अरे 20 साल तक मैंने तुम्हें पाला था, अरे वैसे ही आगे की जिंदगी निकल जाएगी। ये डायलॉग बाजी मुझसे नहीं करना, मैं पैदाइशी एक्टर हूँ, डायलॉग बोलना मेरा पेशा है। अगर ये सब तुमको जमता है, अगर तुम ये सब झेल सकती हो, तो जैसे कि ये यहाँ पे नाच रही है, तुम यहाँ पे शुरू हो जाओ। दरब दरब दर धीरी दारा दरब दरब दर। कौन कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ तीन ही एक्टर है, ना अमिताभ बच्चन, ना दिलीप कुमार, सिर्फ प्रेम। अरे वो लोग तो पर्दे पे एक्टिंग करते हैं, जिंदगी में ऐसी एक्टिंग को कर सकता है क्या? थैंक यू मामा। भाई मैं तो कहती हूँ आप कल ही बारात लेके आ जाओ, हमारी बच्ची के तो भाग ही खुल गए भाई, इतना बड़ा घर, वाह वाह, इतना अच्छा लड़का नसीब वालों को ही मिलता है ना भाई दादी माँ। फिर भी एक बार सपना से पूछ ले। अरे भाई उससे क्या पूछना, मैं जो हाँ कर रही हूँ, आप तो मुंह मीठा करो दादी माँ, लो मुंह मीठा करो। नहीं, 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 आप खाएं। अच्छा कोई बात नहीं,
है तो मेरी ननंद की बेटी, पर मैंने उसको अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। पता नहीं वो विक्की को पसंद करेगी या नहीं। अरे आपने फार्म पर नहीं देखा कैसा ख्याल रख रही थी विक्की का? हाँ। मैंने उसकी आंखों में विक्की के लिए प्यार देखा है दादी माँ। तो ठीक है, इतवार को विक्की का जन्मदिन है। हा? बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि इस मौके पर उसे उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दूँ। तो सपना को लेकर यहाँ आ जाइए। हाँ अभी आ जाती हूँ, आप बोलो तो। नहीं नहीं नहीं, लो मुँह में। नहीं आप भी खाइए ना। खाओ भी। आप कहती है तो। प्रेम से प्यार करने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता, मैं तुमको बताता कि प्रेम कैसा लड़का है। हटो जी। भाई मैं तो कहती हूँ जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अरे वक्त पर आंखें खुल गई इसकी, वरना भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम तो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहते। हाँ अगर उस घर में कोई प्यार या शादी करने के लायक है तो वो विक्की है। लो कहने को सगे भाई, पर कितना फर्क है दोनों में है? एक देखो सीधा सच्चा कमाऊ पूत और दूसरा आवारा नौटंकी बाज। अरे भगवान की मर्जी थी कि उनके घर से रिश्ता आया तो विक्की का आया तेरे लिए। हाँ ये नहीं हो सकता, मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। किसी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि तू प्रेम से प्यार करती है। अब वो जमाना थोड़ी रहा कि मर्दों की बेवफाई पर औरतें आंसू बहाती रहे। अरे प्रेम को देख, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता रहा। अरे तू क्यों रो रही है, तू भी हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता। चल हम उनके जा रहे हैं तेरी मुँह दिखाई की रस्म के लिए। ब्लैक वाला सूट पहना, सुंदर लगती है तू। नहीं माँ जी। अरे बेटा ये तो शगुन है। देखा कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। प्रभु जी ने मेरी सुन ली, मेरा बहू का अरमान पूरा हो गया। अब तू जल्दी से दुल्हन बनकर इस घर में आ जा, मेरे विक्की की जिंदगी में सारी खुशियां भर दे। सुनो जी अब तो नाटक नौटंकी छोड़ दो, फिल्में बनाओ। अरे फाइनेंस तो ओबेरॉय जी कर देंगे, रिश्तेदारी जो हो गई है। हाँ, क्यों नहीं, बलराज ओबेरॉय प्रेजेंट्स प्रेम का प्रेम क्या बनेगा फ्रेम। सुपर हिट टाइटल जी, सुपर हिट। दिल खुश कर दिया तुमने। अरे नंदू मुरारी जल्दी से मिठाई लाओ, मेरी सपना बिटिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। ऑब्वियसली हाँ कहेगी दादी, ना थोड़ी ना कहेगी। हाउ सिली ऑफ यू, माय ब्रदर इज परफेक्ट। अरे मेरे भाई में कमी ही क्या है। और वैसे ही मेरे भाई ने एक बहुत पुण्य का काम किया है, एक मामूली सेक्रेटरी को मालकिन बनाया। क्या कह रहा है? अबे तेरी भाभी है। ओके सॉरी। अच्छा दादी माँ जरा हमारे बारे में तो सोचो ना। सोचेंगे सोचेंगे। कब सोचेंगे दादी माँ? अरे जल्दी सोचेंगे, तू देखता जा। ओके लो भाई मिठाई आ गया बेटा, सबका मुँह मीठा कराओ जी। सपना बेटी सबसे पहले अपने देवर का मुंह मीठा कराओ। देवर आई होप यू डोंट माइंड। और एक बात याद रखना, सबसे पहले मेरे लिए मेरा भाई है, बाकी सब कुछ। और मेरे लिए भी प्रेम तुम्हारे यहां भी नहीं है, कहाँ गया होगा? आ जाएंगे। लेकिन अब तक तो घर आ जाना चाहिए था उसे। सर आ जाएंगे। हाँ कहाँ गए होंगे मुझे क्या मालूम। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती, और जब तक तुम अपने भाई से अलग नहीं होते मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हो जाऊंगा यार, डोंट वरी, मैं शादी के बाद अलग हो जाऊंगा। शादी के बाद नहीं, शादी के पहले। कैसा भाई है यार? आई एम कमिंग टू एक्सप्लेन टू यू ब्रदरहुड। Try and understand. Come on, cheer up. Yeah, let's play the game. Okay. तू क्या बोल रहा है यार? तू क्या बोल रहा है अपना भाई से अलग होएगा? और तुम भाई? Who are you, mister? अरे दो मिनट बात करने देना यार। और तुम एक भाई को भाई से अलग कर रही हो? और अगर ये चाहती है कि तू अपना भाई को छोड़े तो ऐसी 100 लड़कियां कुर्बान अपने भाई पर। देखिए भाई साहब ये हमारे आपस का मामला है, प्लीज साइड में हो जाइए। भाई साहब चलो। हाँ तो रीना मैं ये कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। Excuse me, hello. ये आपस का मामला नहीं है, ये भाई का मामला है। और भाई के मामले में कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं करना, मेरा भी बड़ा भाई है। ओके चलो come on। अरे अरे मांडोली कर रहा हूँ यार। अरे come on। hey! hey! क्या नाटक लगा रखा है? कौन से भाई की बात कर रहा है? आउट।
हो गया ना नाटक करा, चल बस उठा के फेंक दे उसको बाहर, उठा उसको, मेरा भाई किधर है, फेंक दे बाहर, तुम मेरा भाई आएगा तुम। ए नाटू, ए नाटू, तूने शराब पी है? पी थी, इन लोगों ने मार मार के सब उतार दी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तू बैठ, तू बैठ यहाँ, तू बैठ, तू बैठ, तू बैठ, मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ, कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, रिलैक्स नाउ, एवरीथिंग इज नॉर्मल, स्टार्ट योर गेम। ए बॉलिंग वालों, अब देखो मेरा भाई कैसे बॉलिंग करेंगे। किसने मारा मेरे भाई को? मैंने मारा, कौन है तू? अरे क्या बात होगी भाई साहब, कुछ गलती हो गई? क्या सोच के मारा मेरे भाई को? हाँ, अरे भाई गलती होगी, माफ कर दे यार। होगी प्रेम, ए प्रेम, टू थ्री फोर फाइव नाइन। तूने शराब पी है? अभी घर जाके बात करेंगे ना। अरे इस हालत में घर ले जाऊं, दादी जी और डैडी क्या बोलेंगे? ओके, तो फिर मैं घर नहीं जाता, इधर ये फुटपाथ पर सो जाऊंगा। हे नाटू, अब नाटक बंद करो और घर चल। बोला ना मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं फुटपाथ पर सोऊंगा, प्लेटफॉर्म पे सोऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग होम विथ यू, ओके, गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट। व्हाट What is it? चल, घर चल। What? What is it? मान मेरा कहना, अब जिद करना। मान मेरा कहना, अब जिद करना। अरे पहले कुछ बोल तो सही। चल मेरे भाई, 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 चल मेरे भाई। ये लो, उठने को नहीं हो रहा है, चलने को बोल रहे हैं, पहले उठाओ तो सही। हाँ, कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई, टुल हो गया है तू, फुल हो गया है ना, बात ये समझ तेरे आई। ये पहली बार बोला यार। चल मेरे भाई, 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 चल मेरे भाई। चल इधर आओ यार, शराब मैंने पिए चढ़ी आपको। तू तो कहता था कि मैं हूँ तेरा यार, मेरे सिवा किसी से नहीं है तुझे प्यार। नहीं है, और आई टेल यू कभी होएगा भी नहीं। हाँ, तू तो कहता था कि मैं हूँ तेरा यार, मेरे सिवा किसी से नहीं है तुझे प्यार, छोटा है तू, मैं हूँ तुझसे बड़ा, कम नहीं कर मेरी इज्जत बढ़ा। सॉरी यार भाई, मिस्टेक बिकेम रॉन्ग, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होएगा, ओके? सुन मेरे नाटू, श्याम, सुन मेरे बेटू, ओके, सुन मेरे नाटू, सुन मेरे बेटू, हंस रहा मोची देख, हंस रहा ना। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई, मैं टुल हो गया है, मैं फुल हो गया है, ना बात ये समझ तेरे आई। चल मेरे भाई, 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 चल मेरे भाई। माय डियर ब्रदर, हिंदुस्तान के अंदर देयर आर ओनली थ्री एक्टर्स, वन इज मिस्टर दिलीप कुमार, सेकंड इज मिस्टर अमिताभ बच्चन, और तीसरा इज बोलो ना। अरे तू है मेरे भाई, तू है। अरे तू है भाई तू। ओके, आई नो ब्रदर, आई नो, थैंक यू। ओके एक सेकंड भाई, मैं जरा शराब निकाल के आता हूँ, आप कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे तो मेरे को घर बोल लेके जाएगा। नाटू,
हे नाटू तू ठीक है ना? नाटू तू ठीक है ना? हे हे तू ठीक है ना? हे चल चल घर चल चल भाई। चल मेरे भाई, 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 चल मेरे भाई। आप चाय? ए सुन, नींबू सोडा है क्या? यस सर। मेरे को कुछ उल्टी सी हो रही है। अब भाई आई एम कैम। जानता है नाटू, तेरे पैदा होने के बाद मुझे किसी खिलौने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे लिए तू ही सब कुछ है। मेरा खिलौना, मेरा दोस्त, मेरा यार। लाड प्यार से पाला है तुझे। आई लव यू, आई लव यू। पता है कल तूने शराब पी थी? बाटली। कल मेरा मूड बन गया तो उसलिए। लेकिन इससे पहले तूने कभी मूड नहीं बनाया। देखो भाई, मुझे ऐसा लगा कि अगर कभी मुझे किसी शराबी का रोल करना पड़े, मुझे दारू पीना पड़े, तो मैंने दारू पी ली। देख प्रेम, कल रात नशे में मुझे ऐसा लगा कि तू मुझसे कुछ कहना चाहता। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पता ना। देखो भाई, शराब की बात सोबर में नहीं की जाती। ऐसा करता हूँ, मैं फिर तीन चार टिकाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हे नाटू, मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे नहीं, बोलना। देखो, बोल दूं? सपना। सपना? सपना भाई आ गई। अरे सपना, तुम ही समझाओ इसे। कल रात को इसने शराब पी थी। ये उनके लिए कोई नई बात तो नहीं होगी। अरे कैसी बात कर रही हो? इससे पहले इसने कभी शराब नहीं पी। हो सकता है ये नाटक कर रहे हो, क्योंकि इनका तो कुछ पता ही नहीं चलता कि ये कब नाटक कर रहे हैं। अरे मैंने तुम्हें इसे समझाने को बोला, तुम इसे डांट रही हो। इसे डांटना नहीं है, प्लीज। आई एम सॉरी सर। अभी भी सर? चल चल शॉपिंग चलते। आप जाओ ना, मैं वहां पे क्या करूं? मैंने कहा ना चल शॉपिंग। अच्छा दो मिनट तो दो। किस लिए? बाप रे। क्या ना क्या? इसे देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ? विकी ओबेरॉय बैंड मास्टर। अरे दूल्हे की पर्सनालिटी देख के तो सूट दो इनको। अब कैसा है? बेटर है। थैंक यू। ये देखिए, ये कैसा लगेगा? प्रेम पर लगाकर देख लो ना। पहनना तो आपको है। अगर इस पे अच्छा लगेगा तो मुझ पे भी अच्छा लगेगा। आप आईने में भी तो देख सकते हैं। सपना, यही तो मेरा आईना है। क्या भाई यार, जाके पहन लो ना। क्या क्या? प्लीज। ठीक है, ट्राई करता हूँ। थैंक यू। लगता है तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि एक मामूली सेक्रेटरी अब मालकिन बन जाएगी। क्या करें, मेरे भाई की चॉइस ही कुछ ऐसी है। लेकिन अब आगे क्या करोगे? अब तो मैं आपके घर आ रही हूं। जैसे अभी तक बर्दाश्त करते हैं, वैसे आगे भी बर्दाश्त करूंगा। प्रेम, अब भी वक्त है, संभल जाओ। कोई वक्त नहीं है, वरना तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। अपने भाई से कुछ सीखो, कितना फर्क है तुम दोनों में। बहुत फर्क है हम दोनों में, लेकिन एक बात है कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, और अगर तुमने उससे कुछ ऐसी ऐसी बात की तो वह तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, समझी? जानती हूं, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूं, इसीलिए उनकी खुशी के लिए मैं तुम्हें भी बर्दाश्त करने को तैयार हूं। क्यों भाई, प्रेम की खुशी के लिए क्या करने के लिए तैयार? कह रही है सगाई के दिन गाएंगी। हाँ, मगर इनके साथ। और तू क्या करेगा? अरे मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गाऊंगा नाचूंगा और ये। चलिए चलते हैं। सॉरी। चलो 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 चलो।
ओए कुड़िए ओए कुड़िए तेरे तन से फिसल ना जाए, ओए कुड़िए तेरे तन से फिसल ना जाए, तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तेरा लाल दुपट्टा मलमल का। आशिक मजनू आवारा था, सबकी नजरों का मारा था, क्या चैन से उड़ता फिरता था, कितना खुशहाल कंवारा था। ओए गोरिये तूने उड़ते पंछी को, ओए गोरिये तूने उड़ते पंछी को, दिल के पिंजरे में बंद किया, दिल के पिंजरे में बंद किया। छबीली है रंग रूप तो ठीक ठाक, भेजे से थोड़ी ढीली है। ओए बलिए मेरे यार जमेगी कैसे, ओए बलिए मेरे यार जमेगी कैसे। गिल्ली डंडे की जोड़ी है, गिल्ली डंडे की जोड़ी है, दूजे से ना उलझोगे मेरे सामने तुम इकरार करो। ओए हिरिए ये तो भोला भाला है, ओए हिरिए ये तो भोला भाला है। मत मान बुरा इस रांझे का, मत मान बुरा इस रांझे का, से फिसल ना जाए, तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ओए मुंडिया सीने से निकल ना जाए, अरमान तेरे दिल पागल का, अरमान तेरे दिल पागल का, तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तेरा लाल दुपट्टा मलमल का।
उठिए लेडीज जेंट्स। अब भी नहीं बताएगा क्या बात है विकी, क्या पूछ रहा है इससे? आखिर बेटे बात क्या है? आप इससे पूछिए, ये बताएगा। अब भी नहीं बताएगा क्या? मैं बताता हूं, प्रेम और सपना एक दूसरे से प्यार करते हैं। तू क्या सोचता है मुझे नहीं मालूम? उस दिन जब मैं तुझे नशे में लेके आया था, सपना मेरे भाई से शादी कर ले। I love him too much। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। क्यों? कुर्बानी दे रहा था। अरे तू कुर्बानी नहीं, तीन जिंदगियां खराब कर रहा था। अपने आप को बहुत बड़ा समझता है तू? अरे नाटे, तू छोटा है और हमेशा छोटा ही रहेगा। और तुम इससे बदला लेने के लिए तुम मुझसे शादी कर रही थी? नहीं। कैसे सोच लिया तुमने कि इसका कैरेक्टर खराब है? अगर तुम इससे प्यार करती तो मेरे पास आती, मुझसे पूछती, और मैं तुम्हें बताता कि चांद पे दाग हो सकता है लेकिन मेरे भाई पे दाग कभी नहीं हो सकता। I'm sorry, sir. क्या सॉरी? सॉरी से क्या होगा? और तू अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है? कहता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ तीन एक्टर हैं, एक दिलीप कुमार, एक अमिताभ बच्चन और तीसरा कौन? आप, हाँ? आप ओ भाई आप। इसके पहले के मूड चेंज हो जाए, नियत खराब हो जाए, ये पकड़ो, ये लो, पहनाओ 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 मेरे। एक मिनट, तू क्या बोल रहा था इसके बारे में? क्या बोल रहा था? क्या? हाँ, दूध की तरह फटेली है, नाक तेरा है, गिल्ली डंडा है, मामा पे गई है। क्या तुमने ऐसा कहा मेरे बारे में? अब मैं इन्हीं से शादी करूँ? अरे इधर आओ, शादी तुम इस काले कोट वाले से करोगी? जमाने में एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले दो भाई किसी ने देखे? भगवान इन्हें बुरी नजर से बचाना। शादी से पहले हनीमून नहीं गए? क्या? एक्सक्यूज मी, मामा दहेज में आया है क्या? देखकर नहीं चल सकते, सारी फाइलें गिरा दी मेरी। मैडम ये ऑफिस है, कोई जॉगिंग पार्क नहीं। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये ऑफिस है, आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं जो आप आराम से टहल रहे हो। वैसे भी मैं नर्वस हूँ, पता नहीं इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। तो आप इंटरव्यू देने आई हैं? नहीं, ऑफिस में घूमने आई हूँ, ऑब्वियसली इंटरव्यू देने आई हूँ। यू आर सिलेक्टेड। क्या? आई एम विकी ओबेरॉय। आई एम सॉरी, मैं आई एम पूजा। वेलकम टू द ऑफिस पूजा। यस। चल मेरे भाई। ये लो, उठने को नहीं हो रहा है, चलने को बोल रहे हैं। बोले उठाओ तो सही। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई। टुल हो गया है तू, फुल हो गया है ना, बात ये समझ तेरे आई। ये पहली बार बोला यार। चल मेरे भाई। चली तो रहा यार, शराब मैंने पिए चढ़ी आपको। तू तो कहता था कि मैं हूँ तेरा यार, मेरे सिवा किसी से नहीं है तुझे प्यार। नहीं है, और आई टेल यू कभी होएगा भी नहीं। हाँ, तू तो कहता था कि मैं हूँ तेरा यार, मेरे सिवा किसी से नहीं है तुझे प्यार। छोटा है तू, मैं हूँ तुझसे बड़ा, कम नहीं कर मेरी इज्जत बढ़ा। सॉरी यार भाई, मिस्टेक बिकेम रॉन्ग, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होएगा। ओके, सुन मेरे नाटू। क्या? सुन मेरे बेटू। ओके, सुन मेरे नाटू, सुन मेरे बेटू, हंस
हसरा मोची देख हसरा ना। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई।